अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज का पहला जुमला जो हम डॉयच में और इंग्लिश में सीखेंगे वो ये है कि हैव यू सीन माई शूज, क्या तुमने मेरे जूते देखे हैं। ठीक है, इसको डॉयच में कहेंगे हास्ट डू माइने शूहे गेजेहन, हास्ट डू माइने शूहे गेजेहन। ठीक है, और दूसरा जुमला है डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो, इसको डॉयच में कहेंगे म्यूस्टस्ट डू गेहन, म्यूस्टस्ट डू गेहन, डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। और तीसरा जुमला है जी कि व्हाई आर यू चेजिंग मी, ठीक है, तो इसको डॉयच में कहेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ठीक है, डॉयच में कहेंगे वारूम यागस्ट डू मिश, वारूम यागस्ट डू मिश। ठीक है, और यागस्ट का मतलब होता है चेज करना, किसी का पीछा करना। ठीक है, और अगला जुमला शुरू करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन घर बैठे जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन कॉल अस एनी टाइम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और हम आप हमारे साथ ऑनलाइन घर बैठे जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, और अगला जुमला क्या है जी कि आर यू फीलिंग बेटर, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो, आर यू फीलिंग बेटर। ठीक है, और डॉयच में आप इसको कहेंगे फ्यूल्स्ट डू डिश बेसर, फ्यूल्स्ट का मतलब होता है फील करना, महसूस करना, फ्यूल्स्ट डू डिश बेसर, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। ठीक है, और आज का पांचवा और आखिरी जुमला, एज यू नो दैट हम मैक्सिमम रोजाना के पांच जुमले सीखते हैं। ठीक है, और पांचवा जुमला इस तरह है जी, How long did you stay there? तुम वहां कितनी देर ठहरे। ठीक है, How या कितना लंबा अरसा ठहरे, How long did you stay there? तुम वहां कितनी देर ठहरे या रुके जी, इसको आप डॉयच में कहेंगे जनाब Wie lang bist du dort geblieben? Wie lang कितनी देर, bist du तुम dort वहां geblieben ठहरे, Wie lang bist du dort geblieben? How long did you stay there? ठीक है, Wie lang bist du dort geblieben? ठीक है, So thank you very much for watching and before going, please don't forget to subscribe this channel and as I said in the beginning, if you are interested in learning German language or English language, so we are organizing online classes through video calls, so you can call us. As I said, WhatsApp number will be given in the description of this video, so you can call us anytime for more information. And before going, also don't forget to subscribe this channel. Have a nice time and take care.